Uh, students, in previous module, we have performed the multiple linear regression analysis in SPSS software. Now we are going to check the assumptions needed to be fulfilled uh, before uh, interpreting the results in SPSS. So let's check the assumption one by one. And first assumption which we are going to uh, in, uh, about which we are going to talk about uh, its multicollinearity. मल्टी कोलरिटी इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मल्टीकोलिनिटी इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके दरम्यान हो सकता है कि एक स्ट्रॉग सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हो और वो लीनियर इन नेचर हो तो अगर उनके दरम्यान एक स्ट्रॉग सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है तो वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के वेरिएंस को एक्सप्लेन करने में जो है उसको अफेक्ट करेगा तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको चेक करें बिफोर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ एम एल आर तो इसको चेक करने के वेरियस वेज हैं जो फर्स्ट वे है इसको जो हम चेक करते हैं मल्टीकोनटी को इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वो ये है कि आपने क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पे टिक किया था ऑप्शन में तो जब डिस्क्रिप्टिव पे आपने टिक किया तो वहां पे इसने आपको को रिलेशन का टेबल दे दिया ये जो टेबल नजर आ रहा है आपको ये पियरसन को रिलेशन का है जिसमें उसने आपके डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपका डीवी है और ये बाकी जो सारे हैं आपके आईवीज है जिसमें मेकिंग न्यू सोशल टाइज मेंटेन एग्जिस्टिंग सोशल टाइज सीकिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट, सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन सेल्फ एक्सप्रेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ये तमाम क्या है ये मोटिवेशन टू यूज़ सोशल मीडिया है और इनके मोटिवेशन से उनके ऑनलाइन ब्रिजिंग सोशल कैपिटल पे क्या असर पड़ता है ये हमने एक्सप्लेन करना है अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के मॉडल में और ये जो टेबल है पर्टिकुलरली ये आपको बताता है कि इनके दरमियान जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान पी एस आर का कोरिलेशन रिलेशन वो कितना स्ट्रॉग है तो पहला जो है जो इसमें रो जो है अगर आप ये देखें तो ये तो डिपेंडिंग वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप है आईवीज़ का तो हम इसको तो नहीं देखेंगे हम इससे नीचे वाले जो रिलेशनशिप्स हैं वो देखेंगे जैसे पॉइंट टू जीरो एट पॉइंट फोर थ्री सिक्स पॉइंट थ्री फोर एट फोर थ्री फोर फोर वन थ्री पॉइंट टू थ्री सिक्स ये सारे वन की रेंज में हैं ये भी सारे जो है फाइव तक की रेंज में हैं तो यहाँ पे कोई भी जो रिलेशनशिप है बिटवीन आईवीज अगर हम देखें वो पॉइंट एट जीरो तक नहीं है या वो पॉइंट सेवन जीरो और इवन पॉइंट सिक्स जीरो तक भी नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टी नहीं है क्योंकि थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके आईवीज के दरमियान जो को रिलेशन कोफिशेंट है वो पॉइंट एट जीरो या इससे अबव हो तो वहाँ पे मल्टी है बट हमारे डाटा सेट के केस में ये जम्शन जो है वो फुलफिल हो जाती है कि यहाँ पे मल्टी जो है वो नहीं है अब जो दूसरा तरीका है कोलारिटी को चेक करने का मल्टीपल लीनियर एग्रेसन में वो है हम इसकी टॉलरेंस की वैल्यूज़ देख लें हर आई की ये आपके सामने जो है एम की एक आउटपुट है तो इसमें कॉफिशेंट्स और स्टैंडर्डाइज कॉफिशेंट्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे अभी हम जो है हर आई का टॉलरेंस लेवल देख रहे हैं तो ये सारे जो हैं आई के जो वैल्यूज हैं इट्स ग्रेटर देन पॉइंट फाइव जीरो और थ्योरी ये कहती है कि अगर आई जो हैं वो उनकी टॉलरेंस की वैल्यू लेस देन पॉइंट वन जीरो हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी है कि मल्टी कोलिनियारिटी एग्जिस्ट करती है तो हमारी जो वैल्यू है वो तो पॉइंट फाइव ज़ीरो इससे बड़ी है तो इसका मतलब है कि इस टेस्ट से भी हमें ये पता चलता है कि हमारे डेटे के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसमें मल्टी कोलिनटी नहीं है और इसके साथ एक और वैल्यू दी हुई है जिसको यहाँ पे लिखा हुआ वी आई एफ ये वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर है फॉर ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब इसकी वैल्यू भी देखें तो ये वन और टू के दरमियान है और ये राउंड अबाउट है वन और टू के दरमियान तो थेरेटिकली uh, ये कहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू वी आई एफ की जो ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन हो तो वहां पर जो है वो कॉलिरिटी के चांसेस है तो इस पैरामीटर पे भी ये हमें देखने को मिलता है कि हमारे डेटे में मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है इसके बाद जो लास्ट हमारे यहां पे आ, जो हमारा टेस्ट है वो डर्बन वॉटसन टेस्ट की वैल्यू है तो यह टेस्ट जो है ऑटो को रिलेशन चेक करता है बिटवीन एन ऑफ एन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसकी वैल्यू जो है 1.92 है तो इट्स वेरी क्लोज़ टू टू तो ये कहा जाता है कि आटो को की वैल्यू अगर टू या इसके क्लोज है तो वो वहाँ पर आटो को नहीं है और अगर इसकी वैल्यू थ्री से बड़ी है या वन से छोटी है तो वहाँ पर ऑटो को है और अगर ये दो के आसपास हो तो ये बड़ी आइडियल वैल्यू है तो हमारे मॉडल में इसकी वैल्यू 1.92 है Uh, it means that there is no autocorrelation in our data sets. So by viewing all these uh, statistical uh, parameters, uh, we conclude that in our analysis there is the uh, no possibility of multicollinearity between independent variables.